माई सिटी माई लाइफ यूट्यूब चैनल की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, घूमना फिरना किसे पसंद नहीं, और आज के समय में पूरे विश्व में एक से एक बढ़कर घूमने लायक जगहें मौजूद हैं, जिसमें से एक सिंगापुर भी है। सिंगापुर एक रोमांच से भरपूर जगह है, जिसने बड़े ही कम समय में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा विकसित बना लिया है। यहाँ पर घूमने लायक बहुत सी बेहतरीन जगहें मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। यह दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। सिंगापुर में एक से एक बढ़कर जगह हैं जो सभी का मन मोह लेते हैं। यदि आप भी सिंगापुर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिंगापुर में घूमने की जगह, ठहरने के लिए सबसे बेस्ट जगह और सिंगापुर जाने के सबसे बेस्ट टाइम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंगापुर एक बहुत ही अच्छा और रोमांच से भरपूर शहर है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं। इस देश में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक घूमने के लिए एक से एक दिलचस्प जगह है, जैसे कि गार्डन बाय द वे सिंगापुर में मौजूद एक बहुत ही सुंदर जगह है जो रोमांच से भरा हुआ है। सिंगापुर की इस जगह में फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट भी है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मनमोहक लगते हैं। गार्डन बाय द वे की यात्रा और लाइट शो देखना बिल्कुल मुफ्त है। सिंगापुर फ्लायर, यदि आप सिंगापुर की सुंदरता को ऊंचाइयों से देखना चाहते हैं और आपको ऊँचे ऊँचे झूले झूलने का शौक है, तो आपके लिए सिंगापुर फ्लायर एक बहुत ही अच्छी जगह साबित हो सकती है, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ से सिंगापुर को आप एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं। सिंगापुर जू में जानवरों की बहुत ही खूबसूरत और विलुप्त प्रजातियाँ मौजूद हैं, जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए। सिंगापुर चिड़ियाघर खुलने का समय सुबह 8:30 बजे शुरू होता है। चंगी बीच सिंगापुर में मौजूद सबसे प्राचीन बीचों में से एक है। यह बीच कुल 28 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 3.5 किलोमीटर का एक लंबा पार्क भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यह बीच पिकनिक बनाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। चंगी म्यूज़ियम सिंगापुर का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक स्थल है। इस जगह पर बहुत से प्राचीन चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चंगी म्यूज़ियम के अंतर्गत सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान पीड़ित और जख्मी लोगों की कहानियाँ बताई गई हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर कहानियाँ पत्रों, तस्वीरों और ड्राइंग के जरिए बताई गई हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो सेंटोसा द्वीप पर मौजूद एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक जगह है, जो कि सिंगापुर के सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और एकमात्र यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क है। यूनिवर्सल स्टूडियो के अंतर्गत वॉक ऑफ फेम नामक जगह भी मौजूद है, जहाँ पर बहुत से हॉलीवुड हस्तियाँ के पोस्टर मौजूद हैं, जिनके साथ आप पोज देकर फोटो खिंचवा सकते हैं। इसके अलावा भी इस जगह पर रेस्टोरेंट और कैफे मौजूद है। इस जगह पर घूमने के लिए आपको लगभग 4 से 5 घंटा लगेगा। बोटानिकल गार्डन सिंगापुर में मौजूद एक बहुत ही सुंदर, शांत और प्राकृतिक स्थल है, जो कि पूरे सिंगापुर के शांत वातावरण में से एक है। यह जगह पूरी तरह से हरियाली से भरा हुआ है और इस जगह पर पक्षियों की चहचहाट, पेड़ से बहती हुई शीतल हवाएं आपको एक अलग प्रकार का अनुभव प्रदान करती हैं। बोटानिकल गार्डन रोजाना सुबह 5 बजे से आधी रात तक खुला रहता है और यह बिल्कुल फ्री है। आइए दोस्तों, बात करते हैं सिंगापुर में रहने की जगह के बारे में। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक सिंगापुर घूमने आते हैं, इसलिए यहाँ के होटल्स भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। सिंगापुर में रहने के लिए अनुकूल क्षेत्र में आर्चर्ड रोड, मरीना बे, सिविक सेंटर चाइना टाउन, लिटिल इंडिया और सेंटोसा आइलैंड जैसी जगह हैं। आपको यहाँ पर सस्ते से लेकर महंगे तक सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर दोस्तों हम सिंगापुर घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में बात करें, तो सिंगापुर एक बहुत ही सुंदर शहर है, जिसे देखने के लिए हर मौसम में लोगों का आना जाना लगा रहता है। सिंगापुर में फरवरी से अप्रैल सबसे सही समय घूमने के लिए माना जाता है। यहाँ पर जून से जुलाई गर्मी के महीने होते हैं, इसलिए यहाँ जाना इस मौसम में अवॉइड करें। दोस्तों, अब बात आती है कि सिंगापुर पहुँचे कैसे। सिंगापुर जाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम एयरलाइंस का होता है, इसलिए यदि आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आप फ्लाइट का मार्ग चुन सकते हैं। सिंगापुर जाने के लिए आप किसी भी देश में मौजूद
एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।